हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है? ये मतलब टीकाकरण होता है, जो बच्चों में टीका लगता है। तो उसके ड्यूरेशन के बारे में जानेंगे कि कौन सा टीका कितने दिन बाद लगता है और कितना लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम इसमें देखेंगे तीन स्टेज होते हैं जो टीका के लगने के। पहला जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन को लगता है, फिर इन्फेंट को लगता है, और फिर जो लास्ट टीका होता है वो चाइल्ड को लगता है। तो एक एक करके हम सारे टीकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन में कौन कौन से टीके लगते हैं। तो सबसे पहला जो टीका लगता है टीटी फर्स्ट डोज का होता है, जिस टिटनेस टॉक्साइड फर्स्ट डोज का। ये कब लगता है? अर्ली इन प्रेगनेंसी में। ये आपके प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में लगता है। जो इसकी डोज होती है 0.5 ml होती है, और ये आपका कहाँ लगता है? जो इंट्रामस्कुलर है उस पर लगता है। जो साइट होती है आपका अपर आर्म होता है, ठीक है। जो सेकेंड डोज होती है आपका टीटी सेकेंड का होता है, या टिटेटॉक्साइड सेकेंड। ये कब लगता है? 4 वीक आफ्टर टीटी फर्स्ट। जो आपका टीटी फर्स्ट का डोज लगा रहता है उसके 4 वीक बाद ही आपका टीटी सेकेंड का डोज लगता है। ये भी आपका 0.5 ml लगता है। और जो आपका रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और जो साइट होती है आपका अपर आर्म होता है। नेक्स्ट जो डोज होती है टीटी बूस्टर का होता है, या फिर टीटी थर्ड डोज बोल सकते हैं। इफ़ रिसीव 2 TT डोज इन द प्रेगनेंसी, यदि आपको 2 TT डोज का आपको लग चुका है, तो ये आपको विद इन द लास्ट 3 ईयर बाद प्रेगनेंसी में आपको ये टीटी बूस्टर का डोज लगता है। ये भी जो आपका डोज लगता है 0.5 ml लगता है। और जो इसकी रूट होती है इंट्रावस्कुलर, और साइड जो आपका होता है अपर आर्म होता है। अब हम जानेंगे इन्फेंट में लगने वाले टीके के बारे में। तो जो इन्फेंट में सबसे पहला टीका लगता है वो BCG का होता है। BCG का मतलब होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी TB से बचने के लिए बच्चों में लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? एट द बर्थ, या फिर अर्ली पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ द एज, यानी बच्चा जब 1 साल का हो गया उससे पहले ये टीका लग जाना चाहिए। जो इसकी डोज होती है कितनी होती है? 0.1 ml, जो कि 1 साल के बच्चे जो 1 साल का हुआ है उसे लगना चाहिए, या फिर 0.05 ml अगर बच्चा 1 मंथ का हुआ हो तो उसे 0.5 ml की डोज लगती है। जो इसका रूट होता है इंट्राडर्मिनल, और जो इसकी साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। जो नेक्स्ट डोज होती है बच्चों में लगने वाली टीके की वो होती है हेपेटाइटिस बी, जो कि बर्थ डोज बोलते हैं इसे। एट द बर्थ, या फिर अर्ली पॉसिबल विद इन 24 आवर, जो कि 24 आवर के विद इन यानी अंदर ही बच्चों में लग जाना चाहिए। जो इसकी डोज होती है 0.5 ml होती है। जो इसकी रूट होती है इंट्रामस्कुलर एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में ये लगता है, जो इसकी साइट होती है। नेक्स्ट जो है OPV, OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। ये इस कब लगता है? एट द बर्थ एज अर्ली पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर ये टीका लग जाना चाहिए बच्चों में। जो इसकी डोज होती है 2 ड्रॉप्स, और जो इसकी साइट होती है या रूट होता है वो ओरल होता है। नेक्स्ट जो होता है वैक्सीन वो होता है OPV, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डोज, ठीक है। जो ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है उसकी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड डोज लगेगी। ये कब लगेगी? 8-6 वीक्स, पहला जो लगता है 6 वीक, जो नेक्स्ट होता है 10 वीक, और जो नेक्स्ट होता है 14 वीक, ये अंतराल में लगता है, ठीक है। OPV कैन बी गिवन इन 5 ईयर, ये बच्चों में क्या होता है 5 साल तक बच्चों में पिलाया जाता है। किसकी जो इसकी डोज होती है कितनी होती है? 2 ड्रॉप्स, ठीक है। जो इसका रूट होता है ओरल। नेक्स्ट जो डोज लगती है बच्चों में वो होता है पेंटावेलेंट, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज और थर्ड डोज। पेंटावेलेंस का क्या मतलब होता है? इसमें 5 वैक्सीन होती है जो एक ही वैक्सीन में इन्वॉल्व होती है। तो इस क्या करती है 5 डिजीजों से लड़ने में सक्षम होती है। जिसमें 5 डिजीज कौन कौन से, जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसियस, टिटनेस,
हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी। जो ये पांच डिजीज है उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, एक वन वैक्सीन को बनाया गया है जिसे पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं, ये उनके अगेंस्ट काम करता है। ये कब लगता है, एट द 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, कैन बी गिवेन 10 1 ईयर तक, ये बच्चे में दिया जाता है। जो इसकी डोज होती है कितनी होती है, 0.5 ml, और जो इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और जो इसकी साइट होती है एंट्रियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में ये इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट जो टीका लगता है वो है रोटा वायरस, एट 6 वीक्स, 10 वीक एंड 14 वीक, यानी जो इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड डोज होती है वो 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक तक लगती है। ये कब तक दिया जाता है, कैन बी गिवेन 1 ईयर एज या 5, और जो इसकी डोज होती है वो 5 ड्रॉप्स होती है, और जो इसका रूट होता है वो ओरल होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वैक्सीन जो इसमें लगती है वो है IPV, मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। पहला जो लगा था वो ओरल पोलियो वैक्सीन था। ठीक है, जो ये जो डोज है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लगता है पोलियो वायरस का। ये कब, इसकी जो डोज होती है दो फॉर्म में बढ़ती है। ठीक है, पहला जो डोज लगता है 6वें दिन, और दूसरा जो होता है 14वें वीक के एज में लगता है। ठीक है, जो इसकी डोज होती है 0.1 ml होती है, और जो इसका रूट होता है इंट्राडर्मल, और जो साइट होती है राइट अपर आर्म में लगती है। नेक्स्ट जो टीका लगता है वो मिसल्स यानी MR फर्स्ट डोज होता है। ये कब लगता है, जब बच्चा क्या हो 9 मंथ या फिर 12 मंथ कंप्लीट कर चुका हो। ये कब तक दिया जाता है, 5 साल के बच्चे तक दिया जाता है। जो इसकी डोज होती है 0.5 ml होती है, और जो इसका रूट होता है सबक्यूटेनियस, और जो साइट होती है इसकी राइट अपर आर्म में दी जाती है। नेक्स्ट जो डोज दी जाती है बच्चों में वो होती है JE यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस का डोज होता है, जो कि 9 डोज में होता है। ठीक है, वो कि कंप्लीट 12 मंथ तक बच्चों में दी जाती है। जो इसकी रूट इसका डोज जो होता है 0.5 ml होता है, और जो इसकी रूट होती है सबक्यूटेनियस, और जो इसकी साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। नेक्स्ट जो वैक्सीन दी जाती है वो है विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है, जब बच्चा क्या हो 9 मंथ कंप्लीट हो गया हो विद द मिसल्स रुबेला के जो वैक्सीन है वो लगने का। ठीक है, उसे इसकी जो डोज होती है 1 ml या 1 लाख इंटेंसिव यूनिट में। ठीक है, और जो इसकी रूट होती है वो होती है ओरल। अब हम जानेंगे बच्चों में लगने वाले टीके के बारे में, यानी चिल्ड्रन में जो भी टीका लगता है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो टीका होता है DPT बूस्टर फर्स्ट का लगता है, यानी डिप्थीरिया पर्टुसियस टिटनेस का बूस्टर डोज फर्स्ट लगता है। ये कब लगता है, जब बच्चा 16 से या 24 मंथ के बीच का हो गया हो। जो इसकी डोज होती है 0.5 ml होती है, और जो इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और जो साइट होती है एंट्रियोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई पे लगाया जाता है। नेक्स्ट जो होता है मिसल्स का सेकेंड डोज लगता है। ठीक है, ये कब लगता है, जब बच्चा 16 से 24 मंथ का हो गया हो। इसकी भी जो डोज होती है 0.5 ml होती है, और जो इसका रूट होता है सबक्यूटेनियस, और जो साइट होती है राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है OPV का बूस्टर डोज लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है, ये भी आपका 16 से 24 मंथ के बीच में लगाया जाता है, और जो इसकी डोज होती है 2 ड्रॉप्स होती है, और जो रूट होता है वो ओरल होता है। सेकेंड जो है आपका JE जापानीज इंसेफेलाइटिस का सेकेंड डोज लगता है। ये कब लगता है, ये भी आपका 16 से 24 मंथ के बीच में लगता है, और जो इसकी डोज है 0.5 ml, और जो इसका रूट है लेफ्ट आर्म और सबकटेनियस साइड पे लगाया जाता है। जो नेक्स्ट है इसमें विटामिन ए का सेकेंड डोज 2 9th डोज लगाया जाता है, यानी 2 से लेकर 9 डोज तक इसमें लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है, जब बच्चा क्या हो 16 से 18 मंथ का हो गया हो। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ तक बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, ये कब तक लगाया जाएगा, 5 साल तक। जो इसकी डोज होगी 2 ml होगी, और जो इसका रूट होगा ओरल होगा। नेक्स्ट जो इसमें है DPT का बूस्टर डोज लगता है। ये कब लगता है, जब बच्चा 5 से 6 साल का हो गया हो। तो इसमें क्या लगता है, DPT का बूस्टर डोज लगता है। जो इसकी डोज होती है
0.5 ml होती है, और जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और जो साइट होती है अपर आर्म में लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है लास्ट टीटी लगाया जाता है। ये टीटी का डोज यानी टीटेनटॉक्साइड का ये कब लगाया जाता है, जब वो 10 साल या 16 साल का हो गया हो तो टीटी का डोज लगता है। कितना लगता है, 0.5 ml लगता है, और जो इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर, और जो साइट होती है राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।